हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेबी हेल्थ गाइड। मैं हूं आपके साथ भव्या। तो आज की इस बेबी हेल्थ वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गर्भ में कैसे आपके बच्चे का विकास होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्भ में कैसे आपके बच्चे का विकास होता है। तो आइए देखते हैं आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे आपका बच्चा हष्ट और पुष्ट हो। गर्भ में शिशु का विकास अपने आप में अनूठी प्रक्रिया है। हर माँ बाप को यह उत्सुकता होती है कि गर्भ में पल रहा शिशु अभी क्या कर रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, सुन रहा है या अंगूठा चूस रहा है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गर्भ में शिशु के विकास की पूरी कहानी। पहले से 9वें महीने तक शिशु का विकास। पहला महीना। शिशु एक पानी भरी थैली में होता है। उसकी लंबाई मात्र 0.6 सेंटीमीटर होती है। शिशु की लंबाई और वजन में तेजी से बढ़ोतरी होती है। दूसरा महीना। श्रवण और दृष्टि इंद्रियां विकसित होने लगती हैं। पलकें बंद रहती हैं। चेहरे के नैन नक्श बनने लगते हैं। दिमाग का विकास होने लगता है। नाभि नाल बनती है। हाथ पैर की उंगलियां और नाखून बनने लगते हैं। अमाशन, यकृत, गुर्दे का विकास होता है। शिशु की लंबाई करीब 3 सेंटीमीटर और वजन 1 ग्राम होता है। गर्भाशय पेट में मुलायम गांठ की तरह महसूस होता है। तीसरा महीना। आकार बहुत छोटा होने से शिशु की हलचल महसूस नहीं की जा सकती है। आंखें बन चुकी होती हैं, लेकिन पलकें अभी भी बंद होती हैं। बाजू, हाथ, उंगलियां, पैर, पंजे और पैरों की उंगलियां और नाखून इस महीने में विकसित होते हैं। शिशु के वोकल कॉर्ड्स बन चुके होते हैं। शिशु सिर ऊपर उठा सकता है। यदि गर्भाशय के अंदर झांका जाए तो भारी जननांग बनते हुए दिख सकते हैं। चौथा महीना। शिशु की लंबाई और वजन में तेजी से बढ़ोतरी होती है। बाल आने लगते हैं और सिर पर बाल दिखने लगते हैं। भौहें और पलक के बाल आने लगते हैं। चमड़ी वसा युक्त होने लगती है। पांचवा महीना। शिशु कुछ समय गतिशील रहता है तो कुछ समय शांत। एक सफेद चिकना स्त्राव शिशु की त्वचा की एमनियोटिक पानी से रक्षा करता है। उसकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती है। त्वचा का रंग लाल होता है। त्वचा ज्यादा वसा युक्त बनती है। इस महीने में शिशु की लंबाई करीब 25 से 30 सेंटीमीटर और वजन करीब 200 से 450 ग्राम होता है। छठा महीना। त्वचा अभी झुर्री भरी और लाल है। आंखों का विकास पूरा हो जाता है। पलकें खुल सकती हैं, बंद हो सकती हैं। शिशु रो सकता है, लात मार सकता है, उसे हिचकी आ सकती है। सातवां महीना। यदि कोई गर्भवती के पेट पर कान रखे तो शिशु की धड़कन सुनाई दे सकती है। शिशु अंगूठा चूसता है। इस महीने शिशु की लंबाई 32 से 42 सेंटीमीटर होती है। वजन करीब 1100 ग्राम से 3550 ग्राम होता है। आठवां महीना। शिशु की आंखें खुलती है। जागने सोने की खास आदत के साथ शिशु सक्रिय रहता है। इस महीने शिशु का वजन करीब 2000 से 2300 ग्राम है और लंबाई 41 से 45 सेंटीमीटर है। इस महीने शिशु की हलचल महसूस होती है। शिशु की लंबाई 18 सेंटीमीटर और वजन 100 ग्राम होता है। नौवा महीना। बच्चे की आंखें गहरी कबूतर रंग की होती है। जन्म के बाद रंग बदल सकता है। शिशु का सिर नीचे और पैर ऊपर की तरह होते हैं। बच्चा ज्यादा शांत रहता है। इस महीने शिशु की लंबाई 50 सेंटीमीटर है और वजन 3200 से 3400 ग्राम है। तो यह सब थी कुछ बातें जो आपको प्रेगनेंसी के टाइम ध्यान रखनी चाहिए। इससे आपका होने वाले बच्चे का विकास काफी अच्छे से होता है। तो आज की इस बेबी हेल्थ वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल बेबी हेल्थ गाइड को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योर न्यू बॉर्न बेबी। बाय।